नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। जानने के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी पर, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसे ही आप HSSC की वेबसाइट पर जाएंगे और रिजल्ट सेक्शन में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी रिजल्ट सेकंड। तो मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का सेकंड रिजल्ट ये डिक्लेयर कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2015, कैटेगरी नंबर 1। तो जो जो पोस्टें आपकी SBC की पेंडिंग रह गई थी, उन 500 पोस्टों का रिजल्ट HSSC ने आज डिक्लेयर किया है। आप सभी इंतजार कर रहे हुए अभ्यर्थियों को इंस्पिरेशनल गुरुजी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए देख लेते हैं इस पूरे रिजल्ट सेक्शन में PDF को कि किस प्रकार से ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो आप यहाँ पर फिर देख पा रहे हैं 8/2015 फर्स्ट फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी रिजल्ट सेकंड। 41 KB की ये आपकी PDF है, आपके लिए डाउनलोड हो रही है। बने रहें हमारे चैनल के साथ। देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2015, कैटेगरी नंबर 1 ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वाइड मेमो नंबर 22/149/2015/1 GS3 डेटेड 5/3/2019 को ये इन्फॉर्म किया गया था चीफ सेक्रेटरी द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट को कि दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट वेयर रिजल्ट ऑफ SBC हैज बीन पुट ऑन होल्ड। जहां पर कोर्ट केसेस के कारण या कोर्ट ऑर्डर के कारण SBC का रिजल्ट होल्ड पर रख लिया गया था, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल ट्रीट द SBC पोस्ट टू द अंडर द अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है वो उन SBC पोस्टों को अब अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी में काउंट करेगा। तो देयरफॉर नाउ इन कंटिन्यूशन ऑफ अर्लियर नोटिस जो कि 23/6/2017 को डाला गया था, और इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट जो कि फर्स्ट PT हुआ था, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुआ था, फिर नॉलेज टेस्ट हुआ था, उसके बाद में आपकी PST हुई थी, उनके बेस पर मेल कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी जो आपका एडवर्टाइजमेंट था उसका कमीशन ने रिजल्ट जो है फाइनलाइज करके डिक्लेयर कर दिया गया है। द रिजल्ट हैज बीन शोन रोल नंबर वाइज एंड कैटेगरी वाइज, द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लास्ट कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी हैव बीन शोन इन ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, आपकी टोटल पोस्टें थी जनरल की 1650 थी, और अब 500 SBC पोस्ट को इसके अंदर फिर मिला लिया है, यानी कि 150 पोस्टें हो जाती है। अब जो फाइनल रिजल्ट है वो टोटल 500 पदों के लिए जारी किया गया है। ये आप इस अपनी सीट के अंदर देख सकते हैं जो कि HSSC की वेबसाइट पर आपको अपलोड हुई मिलेगी। जनरल की अब टोटल जो आपकी कट ऑफ रही है उसकी 64.50, SC की अगर मैं बात करूँ तो वो रही है 54.55, BCA कैंडिडेट्स की बात करूं तो आपकी रही है 57.95, BCB की अगर बात करूं तो 61.40। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके रिजल्ट हैं, क्योंकि उनको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया तो कुछ मेरिट में फ़र्क पड़ा है, उसी के बेस पर ये कुछ कैंडिडेट दोबारा SC कैटेगरी में सिलेक्ट हो गए, कुछ BCA में सिलेक्ट हो गए और कुछ BCB कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट हो गए हैं। नीचे नोट में लिखा गया है, द अबाउ रिमेनिंग रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ मेल कॉन्स्टेबल इज बीइंग डिक्लेयर्ड इन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा। जो अबाउ रिमेनिंग रिजल्ट है वो चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को लिखा था, उसके बेस पर डिक्लेयर किया गया है। और इसमें कहा गया है कि विद द डिक्लेरेशन ऑफ अबाउट रिजल्ट द मेरिट एंड कैटेगरी ऑफ सर्टेन कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड हैज बीन इफेक्टेड एंड सेम रिजल्ट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो क्या हुआ, इसके बेस पर जो अब जिनका पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, इस रिजल्ट के आने के बाद में उस पर भी प्रभाव पड़ा है और वो फाइनल रिजल्ट में आपका शो भी होगा। अभी क्या फर्क पड़ा है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि BCB की कुछ कैंडिडेट 61.40 कैटेगरी में कट ऑफ रही है, पहले कुछ ज़्यादा रही होगी 2015 की जो भर्ती थी, और कुछ केसेस चल रहे हैं उनका भी अब इफेक्ट पड़ेगा, उनका क्या रिजल्ट आता है उस पर भी डिक्लेयर करेगा। इसमें जनरल की 35 पोस्टें हैं, 10 SC की पोस्टें हैं, 10 BCA और 10 BCB कैटेगरी की है, वो ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा उनके ऑर्डर और रिट पिटीशन जो पेंडिंग है उनके बेस पर डिपेंड करेगा उनका रिजल्ट क्या आता है। और EBPG की 13 पोस्टें हैं वो अब भी हेल्ड पर हैं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर 16/5/2019 के बेस पर दिया था, और इसके अलावा सब तरह की इन्होंने एहतियात बरती है रिजल्ट को पेश करते समय, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल या इनएडवर्टेंट एरर हो जाए तो कमीशन उसको रूल्ड आउट नहीं करता और बाद में वेरीफाई या उसको ठीक कर लेगा, रेक्टिफाई कर लेगा। तो 9/8/2019 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी के द्वारा ये ऑर्डर निकाले गए। तो आप सभी कैंडिडेट को इंस्पिरेशनल गुरुजी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अब से कोशिश करेंगे
कि आपके पास जो भी न्यूज़ है वो ऑथेंटिकेट और सही मायने में रियल टाइम बेसिस पर पहुंचा पाएं। इजाज़त दीजिए, किसी अच्छी खबर के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।